अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हमजा सर और आप देख रहे हैं हमजा टेक। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कि हमने पेज के बहुत से टूल सीखे थे, तो किस तरह हम क्या आज के अपने लेक्चर में नेक्स्ट टूल डिस्कस करेंगे। तो जिस दोस्तों ने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर नहीं सुने, मैं उन सब लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो पहले जाकर वो लेक्चर सुने और फिर ये वाली वीडियो देखें तो उसको समझ लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो अब चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर पर। यहाँ पर ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस, तो हम किसको ओपन कर लेते हैं। देखिए कि हमने उसने पेज लेआउट के बारे में पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में जो हमारा कॉलम्स का ऑप्शन था वो मैं नहीं समझा सका, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर ने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से जब हम कॉलम का ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पे वन कॉलम है, साथ ही नीचे टू कॉलम है, साथ ही थ्री कॉलम का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से ये मैं टू कॉलम करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर राइट कर रहा हूँ तो इस तरह अगर मैं नीचे जाऊँगा टू कॉलम के अंदर, तो ये नेक्स्ट पेज पे नहीं उसी पेज के दूसरे कॉलम में आ जाएगा। देखें और इसी पेज के हम लोग दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, और जो उसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हम क्या आ जाता है इसके अंदर पेज लाइन नंबर का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट का, कि हमने ये टेक्स्ट है इसको किस तरह करना है, ये मैंने सारे उसके अंदर बता दिए थे। आज हम नेक्स्ट जाते हैं रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में भी हमारा ऑफिस वर्क में कुछ भी नहीं है, इसमें हमारे पास टेबल कंटेंट है और कैट टेक्स्ट है। कैट टेक्स्ट के ये देखें, मतलब कि जो हमने कंटेंट लिखना है इसमें टेबल की सूरत में वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कस्टम भी अपना बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं नंबर वन ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने कैड कर लिया, अब यहाँ मैं कॉन्टेंट कैड कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने लिखा, ये मैंने कंप्यूटर कोर्स में कैड किया है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ How to use computer देखिए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसका सिंपली एक टेबल बना लिया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कैट टेक्स्ट का, लेवल वन का टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह हम लेवल टू पे ये आ जाएगा लेवल थ्री का। नेक्स्ट हमारे पास मेलिंग का ऑप्शन है, किस ऑप्शन में जो हमारा बेसिक है उसमें इसका कोई काम नहीं है, इसका अगर एडवांस में है, अगर एडवांस में इसका कोई वर्क हमारे यूज में होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका कोई काम नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास मेलिंग है, यहाँ से हम लोग इनवेलप तैयार कर सकते हैं जो पेज के बाहर वाला से होता है, जब हम खाता वगैरह भेजते हैं तो उसके बाहर जो बना होता है उसका नाम इनवेलप है, ठीक है। हम यहाँ से वो तैयार कर सकते हैं, ये थोड़ा हैवी है इसलिए वर्ड ऑफिस थोड़ा टाइम लेता है। ये देखें, वैसे मैं डिलीवरी एड्रेस लिखता हूँ जी, ये मैंने डिलीवरी एड्रेस लिख दिया है इसको मैं, ये देखें ये हमारा इनवेलप बन गया है, इस पर डिलीवरी एड्रेस सिर्फ आएगा, ये इनवेलप एक तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है, सेम टू सेम। इस तरह नेक्स्ट हम लेबल तैयार कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह हमने इनवेलप तैयार किया, और उसके बाद हम स्टार्ट मेल लेटर और ईमेल मैसेज और एम्प्लॉयज के तरह बना सकते हैं। जिस तरह मैं ईमेल का पे कर देता हूँ, तो ये अब हमारे पास पेज खत्म हो गया। अब हम कोई मेल लिखेंगे, मतलब किसी बंदे को अगर हमने मेल भेजी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रिव्यूज का, रिव्यूज के अंदर हमने यहाँ से स्पेलिंग ग्रामर ऑन कर लेनी है, जिससे अगर कोई हमारे मतलब कि अब मैं ये लफ्ज़ लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली गलत कर देगा, ठीक है। गलत क्यों करेगा, क्योंकि ये कोई उसका नाम है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत कर देगा, ठीक हो गया। ये मैंने ऑन किया, देखें ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरीज है, इसके लिए हमें साइन इन का ऑप्शन है, और यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी और ट्रांसलेट भी हमने इंग्लिश में ही करना है। और नेक्स्ट हमारे पास व्यू है, जो हमारे पास व्यू नजर आ रहा है वो हमारे पास प्रिंट लेआउट नजर आ रहा है। हम यहाँ पे रीड मोड भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमने किताब वगैरह पढ़नी हो तो हम उसके लिए इसको रीड मोड पे रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास वेब लेआउट है, ये हम ये भी रख सकते हैं, और इसी तरह हम इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमें जूम भी कर सकते हैं, वन पेज है, मल्टीपल पेज हमें चाहिए एक पेज पे, ठीक हो गया, वो भी हो सकता है, जिस तरह हम जाए ये उस तरह कर देगा।
तो ये थे हमारे कुछ वर्ड ऑफिस के टूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे वर्ड ऑफिस की समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई वो मुझे बता दें। मैंने अपनी तरफ से जो बेसिक थी जो हमारे ऑफिस यूज में आती हैं या स्कूल यूज में या स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ काम आती है वो मैंने सब बता दी हैं। कि अगर किसी दोस्त को वो नीचे मुझे कमेंट्स में बता दें तो मैं उसकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूँगा। और जिस दोस्त ने अभी तक मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो नीचे मौजूद लिंक पे जाकर अपना फॉर्म फिल करके मेरा कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें। उसके अंदर मैं आपको सेंड भी दूंगा और उसके अंदर आपके प्रॉपर लेक्चर होंगे और आप जो क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चन का जवाब भी दिया जाएगा। अगर यहाँ पर भी किसी दोस्त का कोई ना कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं उसके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कि और नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक पे वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और क्या सब दोस्त तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।